एक बार की बात है, 31 दिसंबर 1929 को जब देश आजाद नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर, रावी नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम 26 जनवरी को अपने देश का वो आजाद कराएंगे। ये तकरीबन 35 साल पहले की बात थी आजादी से भी। तो ये उन लोगों का कितना बड़ा बलिदान था, कितनी बड़ी उनको की जिम्मेदारियां थी, कितना उनको इसमें दिलचस्पी थी और वो लोग लगातार लड़ते रहे देश की आजादी के लिए। हमारे लाखों ने, कितने लाखों लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, तब जाकर भी ये देश हमारा आजाद हुआ। पहली बार देश आजाद होने के बाद 1950 को 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाया गया था। उस रोज हमारा कानून लागू हुआ था। इस कानून से ये हिम्मत मिली हर आदमी को, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कि उसको बराबर जीने का हक दिया गया था। और ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, जिसमें सभी को अपने समान रूप से जीने का हक था, अपने त्योहार मनाने का हक मिला था, अपनी धार्मिक गतिविधियां करने का उनको अधिकार मिला था। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी खुशी का मौका है, इसको हर पूरा देश खुशी से मनाता है और मनाना चाहिए। आज के दिन बच्चों हम लोग यही संकल्प लेते, यही इरादा करते हैं और यही वादा करते हैं कि भाई हम लोग भी आगे चलकर देश के लिए की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, देश के लिए जो कुछ हो सकता है अच्छे काम करेंगे। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो देश अच्छा होता है। देश का अच्छा होना ही हमारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अगर हम अच्छे काम करते हैं, नेक बनते हैं, कामयाब होते हैं, तो देश में तरक्की और खुशहाली होती है। और अगर हम बुरे कामों से जुड़ जाते हैं तो ये देश के लिए बुराई होती है। तो बच्चों आप लोग भी मेहनत से पढ़ाई करना, देश को आगे बढ़ाना, यही हमारी जिम्मेदारी होती है, यही हमारे लिए ये खुशी का मौका होता है। अब कुछ प्रोग्राम होंगे आप लोगों के, जो आप लोगों की तैयारियां हैं, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं आपको 26 जनवरी रिपब्लिक डे के बारे में कुछ उर्दू में बताने वाला हूँ। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा, ये सबका वतन है बचा लो इसे। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौका पर डाइस पर तशरीफ फरमा असातज़ा किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान किराम और अजीज साथियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन उस्ताज़ा किराम का जिन्होंने मुझे इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया। मुझे ज्यादा मुशर्रत इसीलिए भी हो रही है और ये फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बचपन में अपनी इब्तदाई तालीम इस प्यारे इदारे अल अमन पब्लिक स्कूल से हासिल की है। और आज मैं यौम जमहूरिया के बारे में यानी रिपब्लिक डे के बारे में कुछ आपको पेश करने वाला हूँ। बच्चों अंग्रेज तिजारत की गरज से इस सरजमीन पर
कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी उसूर व शुरू रसूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्त व पा और यहाँ के शाह व सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार कर जुल्म व बर्बरियत की ऐसी दास्तान दोहराई, ऐसी हलाकत खेज और शफाकाना कार रिवाया की जिससे जंगों और हलाकों की दास्तां भी मंद पड़ गई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गईं, हर जगह कत्ल व गारत गरी का बाजार गरम हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी की फिजा नजर आ रही थी और यूं महसूस हो रहा था कि अब भारत का सितारा इकबाल कभी मुतल्ला खुर्शीद से नमुराद नहीं होगा और हमारे लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक व मालिक का ये दस्तूर रहा है, जुल्म की टहनी कभी फैलती नहीं, नाव कागज की कसदा चलती नहीं। और हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अपना संविधान लागू हुआ जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया और 26 जनवरी 1950 में और अब तक वो हमारा देश का कानून लागू है। और मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।